चुनाव सर पर है और गुफ्तगु जोरों पर है। चुनावी रण में ब्यावर जिला बनने के बाद भले ही कांग्रेस ब्यावर को अपना जीता हुआ गढ़ मान रही हो, लेकिन 20 सालों तक भाजपा के रंग में रंगी यह विधानसभा क्या इस बार अपना रंग बदलेगी, ये समय बताएगा। इस बार दावेदार हैं और वो भी आर पार हैं। ये सब एक दूजे के यार हैं, फिर भी आपसी खार है, लेकिन सबको टिकट की लार है। कांग्रेस अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और जल जिले की सौगात के आधार पर ब्यावर में कांग्रेस को विजय बनाने के लिए मैदान में उतरेगी, लेकिन सवाल बड़ा, चेहरा कौन होगा? शुक्रवार को सीएम की सभा में भी मंच पर चेहरे की कयास को लेकर दो लोगों की गुफ्तगू चर्चाओं में रही। एक तरफ भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत और दूसरी तरफ मनोज चौहान। पूरी सभा के दौरान कभी चौहान तो कभी रावत सीएम से गुफ्तगू करते हुए नजर आए। सभा में करीब 4 बार सुदर्शन सिंह रावत तो 3 बार मनोज चौहान ने सीएम से बातचीत की। बातचीत के मायने टिकट और कांग्रेस की मजबूती से जोड़े गए। दोनों ने अपने अपने प्रयासों को मजबूत रखा। ऐसे में टिकट को लेकर सुदर्शन सिंह रावत की राय या फिर मनोज चौहान पर दाव काफी अहम होगा। हालांकि ये अभी कयास है, इसलिए दूसरे दावेदारों की दावेदारी को कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन सभा के दौरान दिखाई गई फिल्म कुछ और ही दृश्य दिखा रही है, जो कि चुनावी मौसम में कितनी हिट होगी इसका इंतजार सभी को रहेगा।